शहनाज गिल का पारस को मुंह तोड़ जवाब। शहनाज गिल ने पारस छाबरा को तो ऐसा जवाब दे दिया है इनडायरेक्टली कि सुनकर आपको भी मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए आपको बता देते हैं कि शहनाज गिल ने ऐसा क्या बोला है। दोस्तों आपको तो पता ही है कि कुछ दिन पहले जब इंटरव्यू में पारस छाबरा से शहनाज गिल के बारे में क्वेश्चन किया गया था शहनाज के बिग बॉस सीजन 15 के ग्रैंड फिनाले को लेकर, तो पारस छाबरा ने कहा था कि ये जो ट्रिब्यूट था ये शहनाज की जगह अगर रीटा माँ दे दी तो वो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि वो मतलब ममाज बॉय थे सिद्धार्थ, तो वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता। अब आज आपको बता दें कि BTS सामने आया है बिग बॉस सीजन 15 ग्रैंड फिनाले से शहनाज का, जिसमें वो मेकअप करवाते टाइम उनसे कोई वीडियो बनाने वाला पूछता है कि और क्या प्लान है आज के, तो शहनाज कहती हैं बहुत कुछ करना है और वैसे भी ये हक मैं किसी और को देती भी नहीं जो मैं आज करने वाली हूँ। यहाँ पे शहनाज कहती हैं कि जो आज सिद्धार्थ के लिए वो परफॉर्म करने वाली हैं वो हक उन्होंने किसी और को नहीं दिया है। जी हाँ, वो हक सिर्फ शहनाज का ही है। आपको क्या कैसा लगा वो परफॉर्मेंस? टू बी ऑनेस्ट मैंने देखा नहीं है बिग बॉस 15, ये तो न्यूज़ है जो उड़ती उड़ती सामने आ जाती है, लेकिन मुझे यार ऐसा लगता है कि ट्रिब्यूट अगर किसी को देना चाहिए और किसी को अगर मैं ऑन स्क्रीन या मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं जो मेरे टच में है, ट्रिब्यूट अगर किसी को देना चाहिए तो यार उसकी मम्मी को देना चाहिए, रीटा आंटी को। रीटा आंटी को आना चाहिए और अपने बेटे के लिए अगर वो दो वर्ड्स बोले ट्रिब्यूट के नाम पे तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा हमारे दिल को छुएगा रैदर देन कि जो भी हुआ। पर ठीक है, मुझे तो मैंने देखा नहीं है, मुझे तो आइडिया भी नहीं है इस बारे में, पर मैं चाहता हूँ कि ट्रिब्यूट अगर कोई दे तो उसकी मम्मी ने। मैं जिसके लिए परफॉर्म करना चाहिए वो हर कोई नहीं करेगा, मैं हर एक को हक नहीं देती, वो मैं ही कर सकती हूँ। एंटरटेनमेंट दुनिया की हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।